ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है, बाबा के रूम की मैं सफाई कर रही थी और सफाई करते एक बाबा पत्र लिख रहे थे। मक्खी थी छोटी जो बाबा को बार बार तंग कर रही थी। बाबा बोले, बच्ची इस मक्खी को मार दो। तो मैंने उसको मारा और मार करके ऐसे सुपड़ी में लेके मैं बाहर फेंकने चली। बाबा बोले, बच्ची इसको वापस लाओ, फेंको नहीं, ये बड़े काम की चीज़ है, ये मक्खी बड़ी सर्विसेबल है। तो मैंने कहा, बाबा ये मक्खी क्या सेवा करेगी? बाबा ने कहा, नहीं ये बहुत काम की है। तो बाबा एक पत्र लिख रहे थे किसी बहन को, उसमें एक लाइन बाबा ने बढ़ा दिया नोट करके कि बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पाती, क्या तू बैठे बैठे दिन भर मक्खी मारती है? और उसी लिफाफे में बाबा ने पोस्ट कर दिया, उससे दो का भला हुआ। सबसे पहले मेरा हुआ, मुझे ये शिक्षा मिली कि कभी भी मुझे सुस्त नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है, सदा सर्विस में तत्पर रहना है, एक्टिव बनना है। तो बाबा ने जैसे मेरे को ये शिक्षा दी, क्यों बाबा रोज़ बोलते थे, बच्ची सदा थोड़ी मधुबन में रहना है, एक दिन सेवा केंद्र पे जाना है। तो वो जिस बहन को भेजा उसके अंदर भी उमंग आ गया कि आज बाबा ने मुझे मरी मक्खी भेजी है, तो उसकी सेवा भी बढ़ गई। इसलिए बाबा बहुत रमजबाज है, कैसे शिक्षा देता है। तो बाबा ने इस तरह से शिक्षा दी